बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। आज हम पढ़ेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका क्या है, कौन कौन से ऐसी टिप्स हैं जो हम इस्तेमाल करके बेहतरीन किस्म की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, बायोलॉजी का साइंस डिपार्टमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, या इवन किसी भी फील्ड से, तो अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ रही है या कोई भी टॉपिक आपको प्रेजेंट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत है, तो वो किस तरह से हम उसको अच्छी प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, जिसके बाद आप अच्छी एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो आपके साथ आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसमें एक हाउ टू प्रिपेयर गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये क्यों ज़रूरी है कि हम एक अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं? अगर आप कोई टॉपिक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट है, या आपका कोई बिजनेस है, या आपकी कोई भी फील्ड है जिसके लिए आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आप मद्देनजर रख के फिर बनाएं तो बेहतर है। उसके बाद ये होगा कि आप उसके अंदर कोई भी ऐसी वीकनेस है, या कोई भी ऐसी स्लाइड के अंदर कोई पार्ट है, या कोई भी ऐसा मसला है, तो वो आप इस प्रेजेंटेशन के बाद क्लियर कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि आउटलाइन कैसे बनाई जाए। आउटलाइन बनाने के लिए ये है कि सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक अपनी प्रेजेंटेशन में रखने हैं, उसकी हेडिंग्स, उसके आउटलाइन जो ना, वो आप सारी असेंबल कर दें कि उस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने क्या क्या ऐड किया। लेट सपोज ये जो आपके पास अभी शेयर हुई हुई है प्रेजेंटेशन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसकी हेडिंग दी है टिप्स टू बी कवर्ड। लाइक अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसमें आप टॉप पे देंगे आउटलाइंस, और उस आउटलाइन के अंदर आपने देंगे आउटलाइन सेटिंग। ये आउटलाइन सेटिंग का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो हेडिंग्स है वो मैंने दी हुई है, लेकिन आपका जो टॉपिक होगा उसके मुताबिक आप अपना टॉपिक देंगे। फर्स्ट पे जो आपका टॉपिक होगा वो देंगे, उसके बाद सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड। आप स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड में क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर सिलेक्शन, बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड, ग्राफ सेटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, कंक्लूजन एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आउटलाइंस हैं प्रेजेंटेशन की आज की, जिसके बाद आप ये कुछ टिप्स हैं जो कि पढ़ने के बाद या देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मद्देनजर रखनी है। सबसे पहले आउटलाइन सेटिंग। आउटलाइन सेटिंग ये क्या है? मेक योर थर्ड स्लाइड इन आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आमतौर पे हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जो फर्स्ट स्लाइड जो होती है प्रेजेंटेशन की, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, उसके बाद टॉपिक देते हैं, टॉपिक आपका क्या है, उसके अंदर आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके बाद थर्ड स्लाइड जो होती है वो आउटलाइन की होती है। तो आप कोशिश करेंगे थर्ड स्लाइड के अंदर आउटलाइन सेट करें। इसके बाद है फॉलो द ऑर्डर ऑफ योर आउटलाइन फॉर रेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आप जितनी भी इस प्रेजेंटेशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप असेंबल करें एक दफ़ा, उसके बाद आप उनको नंबर बाय नंबर, मतलब के स्टेप बाय स्टेप, टॉप टू बॉटम सेट करें, और हर अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड है उसकी हेडलाइन या उसकी जो उसका जो टाइटल है या उसका जो मेन पॉइंट है वो आपने वहाँ से सेलेक्ट करके आउटलाइन स्लाइड के अंदर डेस्क करना है। ठीक है, तो हर स्लाइड, लेट्स सपोज अगर आपका एक टॉपिक तीन स्लाइड पे चल रहा है, तो तीन दफ़ा आप आउटलाइन नहीं देंगे, तो आउटलाइन आपकी एक ही दफ़ा होगी, लेकिन जो टाइटल है आपका या जो मेन पॉइंट है वो आप एक दफ़ा शो करेंगे कि ये आपका टॉपिक है। तो इसी तरह से शुरू से लेकर आखिर तक जो भी आपकी जो भी आपके टाइटल्स हैं, जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, वो आपने इसके अंदर हेड करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइड, इसके अंदर ये है कि आपने अच्छी स्लाइड या गुड स्लाइड अगर देखना चाह रहे हैं, ये अभी आपके पास एक जो शेप की हमने स्लाइड, इसको आप देख सकते हैं कि इसको हम ये नाम दे सकते हैं कि दिस इज गुड स्लाइड। क्यों? कि आमतौर पर आपने जो टाइम यूज़ करना है प्रेजेंटेशन के लिए, तो एक स्लाइड पे आप एक से दो मिनट लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम लें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं वो हो सकता है इंटरेस्ट ना लें। राइटिंग पॉइंट, पॉइंट फॉर्म में आपने लिखना है, नॉट कंप्लीट सेंटेंस। अगर आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है, या आप बुकिश लैंग्वेज का जो मटीरियल है वो देना चाह रहे हैं, या न्यूज़पेपर का मटीरियल देना चाह रहे हैं, या किसी और टेस्ट का, रिसर्च पेपर का मटीरियल देना चाह रहे हैं, तो पूरी का पूरा टेक्स्ट या पूरे का पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट करें आउटलाइन, यानी एक पॉइंट के अंदर, ब्रॉड फॉर्म के अंदर
ताकि पढ़ने वाला उसको इजीली सिर्फ एक लाइन में देखें कि हाँ आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और बाकी आपकी बात को सुने, आपकी बात को गौर से वो अंडरस्टैंड कर सके। आपकी एक स्लाइड के अंदर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट्स हों, पूरी स्लाइड फुल ना हो वर्ड्स के अंदर। इसके अंदर हम जो लास्ट पॉइंट है वो एक अवॉइड वर्डीनेस, यूज कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली। ये कोशिश करें आप सिर्फ सिलेक्टेड जो कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करें, पूरे का पूरा टेक्स्ट या पूरी की पूरी जो लाइन है वो उठा के ना रखें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने जो पॉइंट्स रखनी है बाकी उसको एक्सप्लेन आपने खुद करना है। अगर आपने पूरा टेक्स्ट वहाँ पर रख दिया है तो वो पूरी स्लाइड आपकी जो पढ़ने में थोड़ी बियर्ड होगी। तो बेहतर ये है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड जो वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं ना वो आप लेके बुलेट फॉर्म के अंदर और पूरी स्लाइड के अंदर 3 या 4 मैक्सिमम 5 बुलेट फॉर्म में 4-5 पॉइंट्स के अंदर उसको कन्वर्ट करें और एक अच्छा लुक आपकी स्लाइड का आ जाएगा। स्ट्रक्चर का स्लाइड अगर हम देखें तो ये आपके पास जो एक स्क्रीन स्लाइड की जो शो हो रही है दैट इज गुड इन स्लाइड, क्योंकि इसका जो कलर है वो देखा जाए या उसकी जो टेक्स्ट इसके अगर हम देखें तो वो एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसके बाद अगर हम जो बुलेट फॉर्म जो दे रहे हैं वो अगर हम एक साथ दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर उसको एक एक करके दें जैसे अभी इसके अंदर शो हो रही है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, इसके बाद अगर चौथा भी है, पांचवा भी है, तो आप इस तरह से शो करते हैं तो इसमें ये होगा कि आप एक एक पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर हमने शुरू किया यहाँ से कि शो वन पॉइंट एट टाइम, ये क्या करेगा, इट विल हेल्प द ऑडियंस टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर सेइंग, इट विल प्रिवेंट द ऑडियंस फ्रॉम रीडिंग अहेड, इट विल हेल्प यू टू कीप योर प्रेजेंटेशन फोकस्ड। इससे ये होगा कि एक एक पॉइंट आपने अगर अलग से शो किए, अलग से आपने प्रेजेंट किए तो सुनने वाला या पढ़ने वाला आपकी जो पॉइंट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा कि आप अब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर पूरे का पूरा टेक्स्ट एक साथ आ जाएगा लाइक दिस वन, कि ये पूरा टेक्स्ट एक साथ आ गया, ठीक है, वो या तो आपकी बात को सुने या इस टेक्स्ट को पढ़े। तो कोशिश करें कम से कम वर्ड्स इस्तेमाल करें, कम से कम बुलेट इस्तेमाल करें, तो इससे जो सुनने वाला होगा या देखने वाला होगा आपकी बात को ज़्यादा समझेगा, सुनेगा, एज कम्पेयर टू आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर फोकस करें, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल है वो तो मायने रखता है, लेकिन दो चीज़ें अगर एक साथ आ जाएंगी लिसनर के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए सामने वाले को तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो कोशिश करें आपकी प्रेजेंटेशन सिंपल फॉर्म में, ताकि देखने वाला एक ही नज़र में समझ जाए कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और बाकी ज़्यादा टाइम आपकी जो प्रेजेंटेशन में जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं उसको सुनने उसको समझने में लग रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बेड स्ट्रक्चर आप स्लाइड क्यों दिया है, क्योंकि जो 3-4 पॉइंट्स है वो एक साथ दी गई है, हालांकि इसमें जो मटेरियल वो भी कम है और जो बुलेट्स हैं वो भी कम है, लेकिन कोशिश करें कि एक एक बुलेट अलग अलग दे और अलग अलग आप इसको डिफाइन करें, क्योंकि डू नॉट यूज डिस्ट्रैक्टिंग एनिमेशन। अगर आप इसको लेट्स सपोज इस तरह के एनिमेशन दे रहे हैं ये अच्छा इंप्रेशन आपकी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं छोड़ेगी, तो कोशिश करें सिंपल फॉर्म में दें और एक एक बुलेट अलग अलग से आए और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग ज़्यादा मैक्सिमम जो एनिमेशन होती है वो अपनी प्रेजेंटेशन में ना दें, इससे आपका जो प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड्स जो बनी है वो थोड़ी उसका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल एंड साइज, फॉन्ट स्टाइल आमतौर पे जो यूज़ होते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन होते हैं या एरियल होते हैं, इनमें से दोनों में से कोई भी आप यूज़ करें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई भी आप और यूज़ करना चाहें तो भी इस बात को मद्देनजर रखें कि एक ही स्टाइल यूज़ करें शुरू से लेकर आखिर तक, मल्टीपल यूज़ ना करें, ठीक है। और जो आप जिस रीजन में हैं, क्योंकि हम जिस रीजन में रह रहे हैं यहाँ पे मोस्टली ये इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ होता है तो वो आप यूज़ करें, या तो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करें या तो एरियल यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है साइज, यूज एटलीस्ट 18 पॉइंट फॉन्ट। अगर हम कंप्लीट पूरे टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पॉइंट का जो साइज आता है वो 18 होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अंदर सब पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट होती है उसके बाद सब पॉइंट्स होती हैं। अब इसके अंदर जो सेकंड में लिखा है कि यूज डिफरेंट साइज फॉन्ट फॉर मेन पॉइंट एंड सेकेंडरी पॉइंट, तो मेन पॉइंट्स के लिए लेट सपोज आपने यूज किया 18 और सेकेंडरी के लिए आपने यूज करना है 16, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये मेन पॉइंट्स हैं और ये सेकेंडरी पॉइंट्स हैं। अब इसमें ये होगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो साइज दिया गया है वो 16 है। 16 साइज से शो ये करता है कि इसका जो मकसद ये हो गया कि ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये सब पॉइंट्स मेन पॉइंट्स
में शामिल नहीं होता। अगर हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो साइज है वो क्या है 18, तो आप ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है उसका साइज 18 है और यहाँ पे इसका साइज जो है वो 16 है, तो मतलब ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये सब पॉइंट है, मेन पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगर इसकी हेडिंग की हम बात करें तो हेडिंग की जो इसका जो साइज है वो 36 है, तो ये 36 भी इसको डिफरेंशिएट करता है, ये हेडिंग है और उसके बाद मेन पॉइंट्स है और इसके अंदर ये सब पॉइंट्स हैं। तो इस तरह की कोशिश करें कि ऐसा लुक दें कि अच्छा भी लगे और ज़्यादा ओवर भी ना लगे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मेन जो पॉइंट होते हैं उसको उसका जो साइज है वो लिमिट से ऊपर रख देते हैं, यानी कि 18 की जगह पे 22 रखते हैं, 24 रखते हैं या 26 रखते हैं, और फिर जो सब पॉइंट्स होते हैं उनका भी साइज वही रखते हैं लेकिन उनको फिर या तो बोल्ड कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं, या तो फिर बोल्ड भी करते हैं और अंडरलाइन भी करते हैं, तो ये थोड़ा जो लुक है इसका अजीब हो जाएगा, थोड़ा ओवर हो जाता है। तो बेहतर है कि आप डिफरेंशिएट करें लेकिन इस तरह से करें कि पढ़ने वाले को सिर्फ ये अंडरस्टैंड हो कि आप ये जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं इसके अंदर ये मेन पॉइंट है और ये सब पॉइंट्स हैं या सेकेंडरी पॉइंट्स हैं। अगर इस तरह से हम देखें कि इसके अंदर भी जो शुरू वाली लाइन है ये सेंटेंस फॉर्म में है, ठीक है, अब इसका जो साइज है वो 18 है, लेकिन अगर इसके हम सेकेंड जो बुलेट देखें तो इसके अंदर ये पूरा के पूरा कैपिटलाइज फॉर्म है। अब इसमें अंदर फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ यू यूज स्मॉल फॉन्ट योर ऑडियंस वॉन्ट बी एबल टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है फॉन्ट, ये फर्स्ट लाइन पे जो है मेन पॉइंट, ये साइज तो ठीक है लेकिन इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेकेंड जो पॉइंट है, दैट इज कैपिटलाइज। अब इसको हम कैपिटलाइज की अगर हम जो बात करते हैं कि अगर हम कैपिटलाइज करेंगे सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट कैपिटलाइज नहीं होगा तो इसको डिफरेंशिएट करना इजी नहीं होगा, अंडरस्टैंड करना इजी नहीं होगा। कैपिटलाइज ओनली व्हेन नेसेसरी, इट इज डिफिकल्ट टू रीड। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि ऊपर का जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो स्मॉल लेटर में और सेकंड जो पॉइंट है वो पूरे का पूरा कैपिटलाइज फॉर्म में, ठीक है, और थर्ड इसका जो पॉइंट देखेंगे तो वो बोल्ड फॉर्म में और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी ऊपर वालों से डिफरेंट है, तो ये भी एक कंफ्यूजिंग स्लाइड हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि इस तरह का सिस्टम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड ना करें। अगर आप जो मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं, टेस्ट का फॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर एक ही स्टाइल यूज़ करें फॉन्ट का और साइज भी इसी तरह से डिफरेंट करें कि आपका जो मेन पॉइंट है वो और सब पॉइंट डिफरेंशिएट हो सके सिर्फ और सिर्फ साइज के बेस पे, या मैक्सिमम कोई ऐसी बात हो तो थोड़ा आप इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं हल्का चेंज। लेट सपोज कि अगर आप ब्लू यूज़ करें तो डार्क ब्लू करें या लाइट ब्लू करें, या कोई भी जो कलर आपने इस्तेमाल किया तो उससे हल्का आप चेंज करें ताकि सामने वाला उसको सिर्फ आपका जो डिफरेंस है वो देख सके कि आप क्या डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। फोन कलर सिलेक्शन, इसके अंदर आप देख सकते हैं सेलेक्ट के अंदर ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर आपको एक नज़र आ रहा है, ओकेशनली का जो वर्ड है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस ओकेशनली का जो इस्तेमाल है वो क्या है, यूज कलर्स टू एम्फसाइज अ पॉइंट बट ओनली इन दिस यूज दिस ओकेशनली। आमतौर पे इसका जो इस्तेमाल है, अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर कभी ब्लू कलर इस्तेमाल करें, कभी रेड करें, कभी पिंक करें, तो वो पढ़ने वाले की जो लॉजिक है या समझने वाले की जो लॉजिक है वो नहीं बन सकेगी। लेट सपोज अगर हम वाइट बैकग्राउंड यूज़ करें तो उसके लिए ब्लैक कलर के जो फॉन्ट है वो इस्तेमाल करें, या ब्लू कर सकते हैं आप, या अगर आप डार्क कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, लेट सपोज ब्लैक करना चाह रहे हैं, ब्लू बैकग्राउंड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो कलर का जो फॉन्ट का जो कलर होगा, वर्ड्स का जो कलर होगा वो उसके कंट्रास्ट में करें। अब उसका कंट्रास्ट होगा वाइट, येलो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब यूज़ में नहीं है। आमतौर पर हमने जितनी भी देखी प्रेजेंटेशन उसके अंदर जो बैकग्राउंड मोस्टली जो यूज चलता है वो व्हाइट कलर या लाइट कलर यूज होता है, तो उसके कंट्रास्ट में जो वर्ड्स होंगे उनका जो कलर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, या ब्लू कर सकते हैं, डार्क ब्लू कर सकते हैं। यूज कलर्स टू रीइंफोर्स द लॉजिक ऑफ योर स्ट्रक्चर। अब अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हैं कलर, कोई भी इस्तेमाल करें तो उसके लिए कोई लॉजिक हो कि आपने उसका कलर क्यों चेंज किया है, कि आप ऐसी कौन सी बातें जो शो करना चाह रहे हैं, कौन सी बातें जो दिखाना चाह रहे हैं जो बहुत जरूरी है, तभी आपने वो कलर यूज़ किया है, और सामने वाला उसको आराम से समझ जाएगा कि हाँ इसने ये कलर ये चेंज किया है, तो उसका मतलब है कि इस वर्ड के अंदर कोई खास बात है, कोई खास इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, तभी कलर इसने चेंज करके इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बार बार यूज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कोई नहीं रहेगी, वो सामने वाला ही देखेगा कि ये तो ऐसे ही कलर चेंज कर रहा है और शुरू से लेकर आखिर तक इसका ही है। तो कलर चेंज करने की जो लॉजिक है वो सिर्फ लॉजिकली उसका यूज़ करें कि कहाँ पर कलर यूज़ करना है। अब इसी तरह से आइए सेलेक्ट दे सकते हैं कि इसकी जो कलर सिलेक्शन है वो बहुत अजीब है, तो
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि दिस सिलेक्शन इज बैड, इस तरह की सिलेक्शन आपने कलर्स की नहीं करनी। देखो फर्स्ट में बुलेट में येलो कलर इस्तेमाल किया गया, दूसरे में ब्लैक के साथ ब्लू ब्लूश जो कलर है वो इस्तेमाल किया गया, फिर पिंक किया गया, फिर रेड और नीचे मल्टीपल कलर। तो इस तरह के कलर की जो सिलेक्शन है वो अवॉइड करें, इस तरह का कलर का जो फॉर्मेट है वो यूज ना करें। बैकग्राउंड सॉफ्ट स्लाइड, बैकग्राउंड बहुत चलते हैं, आप अपनी जो आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट। और लेकिन बैकग्राउंड सेलेक्ट करते वक्त आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि ऐसा डिज़ाइन रखें, ऐसा बैकग्राउंड रखें जो कि आपके टेक्स्ट पे कोई फर्क ना पड़े। लेट्स सपोज आपको कोई गार्डन रख रहे हैं, उसके अंदर फ्लावर भी हैं और लॉन भी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा इमेजिन करें कि आपका टेक्स्ट उसमें कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप सिंपल फॉर्म में रखें ताकि आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो आपने टेक्स्ट दिया है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, वो अफेक्ट ना करे। डिज़ाइन यूज़ करें, बैकग्राउंड यूज़ करें, लेकिन ऐसा करें ताकि सामने वाला उसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर सके, आपका जो मेन पर्पज है प्रेजेंट करने का वो डिस्टर्ब ना हो। यूज बैकग्राउंड सच एज दिस लाइक केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैंने शो किया हुआ है बैकग्राउंड, दैट इज सिंपल एंड अट्रैक्टिव। यूज लाइट कलर बैकग्राउंड्स, ज़्यादा मल्टीपल कलर या मल्टीपल बैकग्राउंड जो होते हैं जैसे फ्लावर, गार्डन, बिल्डिंग्स या व्हीकल्स, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ऐसा करें जो ज़रूरी हो, आपके कोई पिक्चर दिखाना है, कोई बैकग्राउंड ज़रूरी हो तो फिर करें, अदरवाइज आपका जो टेक्स्ट है जो आप बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यूज द सेम बैकग्राउंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन। अब आपने जो सिलेक्ट किया है बैकग्राउंड वो कोशिश करें शुरू से लेकर आखिर तक वही यूज़ करें, अगर मल्टीपल करेंगे तो भी आपकी जो प्रेजेंटेशन की कंसिस्टेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सामने वाले को समझने वाले को या सुनने वाले को वो चीज़ डिस्टर्ब करेंगे। लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज मल्टीपल इन कलर, इस तरह का फॉर्मेट यूज ना करें और इस तरह की जो एनिमेशन है साउंड वाली वो भी यूज नहीं करनी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ग्राफ सेटिंग, ग्राफ के अंदर भी यही है कि आपने अगर आपको कोई डेटा शो करना है, कोई मटेरियल है, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई डिटेल्स हैं वो अगर आपने शेयर करनी है, वो बतानी है, तो उसको कोशिश करें कि टेबुलेटेड फॉर्म में के अंदर या रॉ डेटा के फॉर्म में ना दें, एक कंप्लीट बेहतरीन किस्म का ग्राफ बनाएं ताकि सामने वाले देखते ही उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपकी पास डेटा है वो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है और कितना उसका टाइम पीरियड है, वो पूरी की पूरी फिगर एक ही स्लाइड के अंदर समझ जाए। Use graph rather than just having a chart. Inverse, data in graph is easier to comprehend and retain than in raw data. Always title your graph. इसका example है कि अगर इस तरह का आप देते हैं format आपकी data के लिए तो ये easily understandable नहीं है, तो ये acceptable नहीं है, तो कोशिश करें इस format में दें। ये जो आप नज़र आ रहा है इसके अंदर graph के अंदर proper एक heading भी दी गई है, जो उसका title वो भी दिया गया है, इसकी जो की है वो भी प्रॉपर दी गई है, इसका जो साइज है वर्डिंग का वो भी आप इजीली इसको समझ सकते हैं कितना इसका साइज है। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर टाइमिंग जो है वो टाइमिंग भी दी गई है कि क्या टाइमिंग है इनकी, और इसका जो ग्राफ है पूरा इसको आप इजीली देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर क्या क्या है और क्या क्या इनका साइज है, मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें इस स्लाइड से, इस ग्राफ से, तो इसकी लाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी डिस्ट्रैक्टिंग लाइनिंग है, और इसकी हम हेडिंग देखें यहाँ का टाइटल देखें वो भी इसको शो नहीं कर रहा, टाइटल भी नहीं है। इसके बाद आता है ग्राफ सेटिंग किस तरह देखी जाए, तो कोशिश करें अगर इससे पहले वाला आप देखें ग्राफ कि इसके अंदर मल्टीपल लाइनिंग दी गई है, तो ये लाइनिंग किसी काम की नहीं, खामखा में इसको इसका यूज़ किया गया है। फॉन्ट इज टू सिमाल, फॉन्ट कैसे सिमाल है कि ये देखने में पढ़ने में इनका जो साइज़ है वो इजीली इसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कलर्स लॉजिकल, अब ये कलर इसके लिए जो इस्तेमाल किए गए हैं वो इनकी कोई लॉजिक नहीं है, खाम खा ऐसे मल्टीपल कलर या ज़्यादा कलर इस्तेमाल किए गए हैं। टाइटल इज मिसिंग एंड शेडिंग इज डिस्ट्रक्टिंग, अब इनके अंदर एक तो मल्टीपल कलर इस्तेमाल किए गए और शेड भी खाम खा का इस्तेमाल किया गया कि सामने वाला इसको हो सकता है डिस्टर्ब हो, और इनकी नीचे आप देख सकते हैं कि ये टाइमिंग वगैरह भी जो दी गई है वो भी इनका साइज बहुत स्मॉल हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपने जो मटेरियल दिया है उसको अगेन प्रूफ रीडिंग करवाएं, उसकी खुद भी चेक करें, और अगर आपको लग रहा है कि इफ़ योर इंग्लिश इज नॉट
इफ योर लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश प्लीज हैव समवन एल्स टू चेक योर प्रेजेंटेशन. आप इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है या आप चाह रहे हैं कि किसी और से आप चेक करा लें, कंफर्म कर लें कि इसके अंदर कोई इशू है, तो इसमें कोई एरर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है. आप किसी अपने सीनियर से या जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, आपका दोस्त हो या जो भी हो, उससे आप अपनी प्रेजेंटेशन चेक करवा सकते हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट कोई मसला या स्पेलिंग या ग्रामर जो ना हो गलत तो नहीं है. तो इसमें पहले तो आप खुद चेक करें और फिर किसी और से चेक करवा लें ताकि आपका एरर जो है वो कम से कम हो. कंक्लूजन, कंक्लूजन की स्लाइड देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने जो पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर मटेरियल प्रेजेंट किया है, लेट सपोज आप रिसर्च का काम कर रहे हैं या बिजनेस का काम कर रहे हैं या कोई भी काम आपका बायोलॉजिकल साइंसेज से हो, सोशल साइंसेज से हो, किसी से भी हो, तो उसके अंदर कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या प्रेजेंट किया है, उसको आपने किस तरह से कंक्लूड करना है कि उसका जो बेनिफिट है या जो आप उसको कंक्लूड करना चाहें उसको कहाँ पर आप लेके जाना चाह रहे हैं. यूज एन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, क्योंकि आपके जो फाइनल वर्ड्स हैं वो ज़्यादा याद किए जाएंगे कि इससे आपकी प्रेजेंटेशन से किसको फ़ायदा होगा, क्यों फ़ायदा होगा और कैसे फ़ायदा होगा. Your audience is likely to remember your last words. Use a concluding slide to summarize the main points of your presentation. Summarize the main points of your presentation. Suggest future plan. कि आपने जो presentation बनाई है वो क्या है और आगे इसको किसके लिए आप देना चाह रहे हैं, किसके लिए, मतलब आपका जो topic है वो आपके आगे future plan में किस तरह से काम आएगा. Question and answer session. आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली, देन यू डिड नॉट हैव टू फिनिश योर प्रेजेंटेशन. अचानक से सडनली आपने उसको बंद कर दिया कि बस प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना आपने. एंड योर प्रेजेंटेशन विद सिंपल क्वेश्चन, इनवाइट योर ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन एंड अवॉइड एंडिंग ऑफ प्रेजेंटेशन सडनली. अपने जो ऑडियंस है उनको कंप्लेंट के बाद इन्वाइट करना है कि सवाल क्वेश्चन जो भी नहीं सवाल ही हो, आप उनसे प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, आप उनसे कोई और आइडिया भी ले सकते हैं, आप उनसे अपने आइडियाज शेयर भी कर सकते हैं और आखिर में आप ऐसी कोई पिक्चर भी क्वेश्चन के लिए या आंसर सेक्शन क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद सुनने वाला समझने वाला अगर उसको कोई डाउट हो, कोई सवाल पूछना चाह रहे, क्लियर करना चाह रहे हैं या कोई बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सका तो ईजिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. अचानक अगर आपने प्रेजेंटेशन खत्म कर ली कि चलो भाई उठो प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका जो इम्प्रेशन है वो गलत लेके जाएगा. तो हमेशा इस चीज़ को रखें फोकस. इंशाल्लाह मेरी इस प्रेजेंटेशन के लिए मेरी जो कोशिश थी कि आप जो देखने वाले हैं वो इस प्रेजेंटेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और हमेशा कोशिश करें कि आपका जो भी टॉपिक हो उसके अंदर थोड़ी इसमें मेहनत लगती, थोड़ा टाइम लगता है और जब आप प्रेजेंटेशन को कम्प्लीट बना लेंगे तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो आप हो सकता है कि वैसे क्लियर ना हो, लेकिन प्रेजेंटेशन खुद बना के चेक करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि आपको वो चीज़ें पहले पता नहीं थी, अब हो गई क्लियर. तो हमेशा इस चीज़ को फोकस रखें कि आपका टॉपिक शुरू से लेके आखिर तक इस तरह से चले जिस तरह से एक कंप्लीट सीक्वेंस होती है, जिस तरह से कहानी होती है, ठीक है. और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है आपको हेल्पफुल रहेगी आपकी अपनी फील्ड में, चाहे आप बायोलॉजिकल साइंसेस से हों, सोशल साइंसेस से हों, बिजनेस से हों या किसी और फील्ड से हों. ये सारी टिप्स आप अपने दिमाग में बिठा दें और अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और मटेरियल आपके लिए बनाएंगे और इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ. अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो हमारे वीडियो पे कर सकते हैं या वैसे भी आप मुझे मेरी डिटेल जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे दी गई है, आप वो देख के और फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है. तो आपकी जो सजेशन है वो ऑलवेज वेलकम, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ आ जाएंगे. हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.